गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं काली उड़दी की दाल और उसमें मैंने की है चने की दाल ऐड। और मैंने इसको लिया है 1 गिलास और हम उसमें ऐड करेंगे पालक और सोया। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटी हुई प्याज, लहसुन कटा हुआ, अदरक कटा हुआ, 10 से 12 हरी मिर्च और तड़के के लिए मैंने लिया है सूखा मिर्चा, जीरा, हींग पाउडर। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। हम इसमें डालेंगे साग और सोया। गाइस अब हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक कटा हुआ, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे कुकर को बंद। गाइस अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। गाइस आप देख सकते हैं मैंने कुकर को बंद कर दिया है। गाइस कुकर में गैस भर चुकी है, अब हम गैस को धीरा कर देंगे। गाइस हमारी 3 से 4 सीटी दे चुकी है, अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी दाल गल गई है, अब हम इसे घोटेंगे। गाइस मैं दाल को मिक्स कर चुकी हूँ दाल घोटने की मदद से, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और एक बार इसे फिर घोटेंगे। गाइस मैंने दाल को गैस पे रख दिया है, मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे बॉईल करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। गाइस आप देख सकते हैं मेरी दाल बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे गैस उतार। गाइस आप देख सकते हैं मेरी दाल बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे गैस से उतार देंगे। अब हम इसमें दाल को इससे तड़का लगा देंगे तेल को। गाइस अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसे तड़का लगा देंगे। गाइस मैंने तड़का लगा दिया इसको। गाइस अब हम इसे सर्व कर सकते हैं रोटी या चावल के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो को वॉच करें।